जो पिछला सवाल था मॉड जेड वन मॉड जेड टू मॉड जेड थ्री इज इक्वल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इज इक्वल टू वन था ऐसा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ वन अपॉन जेड वन प्लस वन अपॉन जेड टू प्लस वन अपॉन जेड थ्री हो गया था। उसी पे रिलेटेड, उसी तर्ज पे रिलेटेड एक और सवाल, मान लो लिखा है मॉड जेड वन इज इक्वल टू वन, मॉड जेड टू इज इक्वल टू टू, मॉड जेड थ्री इज इक्वल टू मॉड जेड थ्री इज इक्वल टू थ्री, और एंड मॉड में जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इज इक्वल टू फाइव पूछा जा रहा है। फाइंड वन अपॉन मॉड जेड वन प्लस फोर अपॉन मॉड जेड टू, वन फोर अपॉन जेड टू प्लस नाइन अपॉन जेड थ्री की वैल्यू क्या होगी, जरा निकालिए फटाफट निकाल के जवाब दे दो हमें, क्या आंसर आएगा। क्या हो गया, जब मैंने बोला था यही बात कि ये है तो इसको कैसे लिखेंगे, मॉड जेड वन का स्क्वायर इक्वल टू वन, मतलब जेड वन जेड वन बार इज इक्वल टू वन, और यहां से हो गया जेड वन बार इज इक्वल टू वन बाई जेड वन, ऐसे ही मॉड जेड टू, बस इतना सा हिंट काफी है, ये हो जाएगा मॉड जेड टू का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया फोर, तो जेड टू बार इज इक्वल टू फोर, तो जेड टू बार इज इक्वल टू फोर बाई जेड टू, और ऐसे ही जेड थ्री को लिख के इसमें पुट करके आंसर निकाल देंगे। आंसर क्या आ गया सबका, आंसर आया यहाँ पे पांच, ठीक है ना। अगला सवाल लिख रहे हैं कि इफ मॉड जेड वन इज इक्वल टू टू, मॉड जेड टू इज इक्वल टू थ्री, मॉड जेड थ्री इज इक्वल टू फोर, मॉड जेड फोर इज इक्वल टू फाइव, एक दो तीन चार, मॉड जेड फोर इक्वल टू फाइव, एंड मॉड में ट्वेंटी आपका थर्टी जेड वन प्लस ट्वेंटी जेड टू प्लस फिफ्टीन जेड थ्री प्लस 12Z4 इतना है, 12Z4 इज इक्वल टू k टाइम्स Z1, Z2, Z3 प्लस Z2, Z3, Z4 प्लस Z3, Z4, Z1 प्लस Z4, Z1, Z2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ k, देन K इज इक्वल टू ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है Z1, Z2, Z3, दूसरा ऑप्शन है आपका मॉड Z1, Z2, Z3, दूसरा ऑप्शन है मॉड Z2, Z3, Z4, तीसरा ऑप्शन है Z3, Z4, Z1, फिर चौथा ऑप्शन है Z4, Z1, Z2 मॉड में, ये चार ऑप्शन में से कौन सा होगा आपको बताना, जरा फटाफट निकालो, देखो क्या आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन इसमें का? इसकी जो वैल्यू है ना, ये रूट टू रूट थ्री रूट फोर रूट फाइव इसकी, हाँ हाँ, मतलब ये इसका स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है, स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ ये टू टू इसको कर देते हैं, कहाँ पे दो है कि रूट टू है, ये वाला ये तो टू है ना, ट्वेल्व है ना, ये कहाँ पे जेड थ्री की वैल्यू टू, रूट फोर था ना तो टू थे, टू हो गई, ठीक है बस इतना ही है, ये ट्वेल्व है, बारह जेड फोर है, बीस तीस बीस पंद्रह बारह, ठीक है यहाँ पे बस ये अंडर रूट है, इसका अंडर रूट के बिना ही काम चलेगा। क्या लिखा हुआ है, मॉड जेड वन इज इक्वल टू रूट टू, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो मॉड जेड वन का स्क्वायर इक्वल टू टू, तो जेड वन इंटू जेड वन बार इक्वल टू टू, तो जेड वन की जगह पे हम लिख सकते हैं टू बाई मॉड जेड वन बार, टू बाई जेड वन बार लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा फिर यहां से ऐसे ही मॉड जेड टू इज इक्वल टू तीन है, रूट तीन है, तो मॉड जेड टू का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा तीन, तो यहां से हम जेड टू इज इक्वल टू डायरेक्ट थ्री अपॉन जेड टू बार लिख दे क्या। ऐसे ही तीसरा वाला जो Z3 है उसके Z3 इज इक्वल टू टू है, तो मॉड Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर हो गया, तो Z3 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ फोर अपॉन कितना, फोर अपॉन लिख सकता हूं मैं Z3 बार, और फिर यहां से चौथा वाला Z4 इज इक्वल टू अंडर रूट में फाइव है मॉड Z4 इज इक्वल टू,
तो मॉड जेड फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 5, और इसलिए जेड फोर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 5 अपॉन जेड फोर का बार जैसे पहला लिखा गया है, इतना ठीक है। अब जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर की जगह पे रख दिया जाए सारी चीजें, आ रहा समझ में। मैं वापस इसको हटा रहा हूं, ये पूरी ये चीज हटा रहा हूं यहां से, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखना चालू करूंगा वापस ये सब चीजें हटा के, और एलएचएस में सारी बातें मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। देखो यहां पे जगह है शायद आ जाए इतने में, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे एलएचएस ले लिया मैंने मॉड में 30, जेड वन की जगह पे कितना लिखना है 2 अपॉन जेड वन बार, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन जेड वन बार प्लस आपका यहाँ पे 20 इंटो जेड टू के जगह पे कितना लिखना है 3 अपॉन जेड टू बार लिखना है, क्या सही है ऐसा। फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पे प्लस 15 इंटू जेड थ्री की जगह पे 4 अपॉन जेड थ्री बार प्लस आपका 12 इंटू 5 अपॉन जेड फोर बार, सही है इतना तो सही है। ऊपर से सब में से बाहर क्या निकल के आ गया 60, 1 अपॉन जेड वन बार प्लस 1 अपॉन जेड टू बार प्लस 1 अपॉन जेड थ्री बार प्लस 1 अपॉन जेड फोर बार, सही है ऐसा। अच्छा ये पूरा बार ऊपर उड़ के चला जाएगा क्या, 1 अपॉन जेड वन का बार प्लस ये पूरे का प्लस 1 अपॉन जेड टू का ये पूरे का बार प्लस 1 अपॉन जेड थ्री पूरे का बार प्लस 1 अपॉन जेड फोर पूरे का बार, बोलो ऐसा हो जाएगा। और ये बार अलग अलग बार सारा इकट्ठा होके, क्या ये सारा बार इकट्ठा होके क्या ये 1 अपॉन जेड वन प्लस 1 अपॉन जेड टू प्लस 1 अपॉन जेड थ्री प्लस 1 अपॉन जेड फोर इस पूरे का यहाँ पे बार हो जाएगा क्या, यहाँ पे पूरे का बार, और ये पूरे का बार इज इक्वल टू सेम एज वही आ जाएगा क्या, 1 अपॉन जेड वन 1 अपॉन जेड टू 1 अपॉन जेड थ्री प्लस 1 अपॉन जेड फोर, ऐसा हो जाएगा क्या। अच्छा अब देखो फाइनली इसको मैंने अब हटा दिया, अब मैंने क्या ले लिया यहां से इसका नहीं एलसीएम ले लिया, हाँ इसके बाद मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेते ही देखो यहाँ पे क्या आया जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर, यही एलसीएम आया, पहले वाले की जगह पे आएगा जेड टू जेड थ्री जेड फोर, दूसरे वाले की जगह पे जेड वन जेड थ्री जेड फोर, तीसरे वाले की जगह पे जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर, और चौथे वाले की जगह पे जेड वन जेड टू जेड थ्री, बोलो ये वाली पूरी बात आ गई क्या ऊपर में, अरे आ गया। नीचे में क्या है अपना 60 इंटू, जरा देखो तो नीचे में क्या है अपने पास, क्या ये जेड टू जेड थ्री जेड फोर प्लस जेड वन जेड थ्री जेड फोर प्लस जेड वन जेड टू जेड फोर प्लस जेड वन जेड टू जेड थ्री अपॉन नीचे में इसका मॉडुलस हो जाएगा क्या, बोलो सही है। मॉडुलस क्या हो गया आपका जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर, मॉडुलस को ओपन कर देंगे, क्या करें मॉडुलस को ओपन कर दे। अच्छा एक चीज देखो, ये ऑप्शन जितना था उसमें आपको हर ऑप्शन में आपका दिख रहा था कि ऊपर में यहां कहीं 60 नहीं था के जगह पे, सिर्फ क्या था जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड वन जेड टू जेड थ्री ऐसे टर्म में था। अच्छा देखो मैं इसके मॉडुलस को ओपन करूंगा तो जेड वन जेड टू और जेड फोर ये तीन का मॉडुलस अंडर रूट में दिख रहा है क्या, और जेड थ्री का मॉडुलस क्या है 2 है, इस बोलो इसके बाद से मैं इसको लिख सकता हूं ना यहाँ पे कि ये मॉड जेड वन मॉड जेड टू मॉड जेड थ्री मॉड जेड फोर। अच्छा इसकी वैल्यू तो 3 है सही ठीक है। अच्छा इसका 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 जरा स्क्वायर देखा तो 2 2 3 6 6 5 30 30, अरे बात सुन 30 में 2 मल्टीप्लाई कर कितना आ गया 60, इसका मतलब कि हमें ऊपर में किससे मल्टीप्लाई कर देना अच्छा रहेगा जेड वन जेड टू जेड फोर, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे देखो समझ रहे हो ना मैं क्यों मल्टीप्लाई किया उसको, क्योंकि ऊपर में मल्टीप्लाई किया और नीचे में भी यही मल्टीप्लाई किया जेड वन जेड टू जेड फोर जेड वन जेड टू जेड फोर जेड वन जेड थ्री जेड वन जेड टू जेड फोर, क्योंकि जेड थ्री के लिए ऑलरेडी 2 है वो तो अंडर रूट से बाहर है, बात समझ में। अब जरा देखो यहाँ पे आ गया मॉड जेड वन का स्क्वायर मॉड जेड टू का स्क्वायर मॉड जेड फोर का स्क्वायर आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 2 3 5 × 2 मिलकर पूरा कितना दे दिया 60 दिया कि नहीं दिया, और ये पूरा बताओ अब इसके बगल में के जगह पे कितना आ गया जेड वन जेड टू जेड फोर, बात समझ में आया आंसर क्या हो गया जेड वन जेड टू जेड फोर, यही है आपका। इफ जेड माइनस आई प्लस 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 2 प्लस आई देन फाइंड लोकस ऑफ देन फाइंड लोकस ऑफ
जेड। और इसका लोकस निकालने के लिए जेड को मान लेना एक्स प्लस आई वाई, कुछ और अपने पास चॉइस नहीं है। पिछले भी याद होगा रियल पार्ट ऑफ वन बाई जेड लेस देन वन बाई टू था, तो वहां भी जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हम मान के किए थे। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान के करो, देखो क्या निकल के आ रहा है। तो क्या कर लेंगे यहां पे, ये हमने लिखा है x प्लस आई वाई माइनस आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माइनस टू प्लस आई, ना ही रे यही तो गलती कर रहा हूं। नहीं, नहीं आगे बढ़ो ना, तब अभी अभी और आगे बढ़ो ना, अभी उतने से थोड़ी बढ़ेगा। हाँ तो नहीं, तुम और आगे बढ़ो ना, काहे परेशान हो। x प्लस रियल पार्ट को एक साथ कर लिया, x प्लस वन हो गया, यहां से इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लिया, आई वाई माइनस वन हो गया इज इक्वल टू, यहां से ये x माइनस टू रियल पार्ट को इकट्ठा कर लिया। हाँ बस कहानी खत्म हो गया, सही तो है, वो दिक्कत क्या, वो तो सबसे अच्छी बात है। अब इसका हमने स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया यहाँ से, इसके बाद स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करने के बाद इसका अगर हम मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस आएगा बिल्कुल लिनियर ही आएगा। x प्लस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, आई मल्टीप्लाई नहीं किए भाई, नहीं होता है, पावर क्यों भूल जा रहे हो, इमेजिनरी पार्ट, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर इसमें कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, अब यहाँ पे वन से वन कट गया, अच्छा कुछ तो वही रह गया, यहाँ पे बच गया आपको, देखो यहाँ पे बच गया टू एक्स प्लस वन, यहाँ पे बच गया टू वाई प्लस वन माइनस टू वाई प्लस वन, यहाँ पे हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे हो गया माइनस फोर वाई फोर एक्स प्लस फोर प्लस टू वाई प्लस वन, एक वन से वन भी कट गया, और यहाँ पे आ गया टू एक्स माइनस ये प्लस टू वाई छह एक्स हो गया, और ये माइनस टू वाई इधर आके माइनस फोर वाई हो गया, और ये एक चार, ये चार आके इधर बन गया कितना माइनस थ्री, सही है क्या, अरे बात समझ में। तो क्या निकल के आया, एक स्ट्रेट लाइन निकल के आया, एक स्ट्रेट लाइन निकल के आया। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि ये चीज याद रखने वाली बात ये आ गई कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू देन लोकस ऑफ जेड, देन लोकस ऑफ दिस, लोकस ऑफ जेड, हाँ ये जेड इन है यहाँ पे, देन लोकस ऑफ जेड इज अ स्ट्रेट लाइन, हाँ भले जेड वन और जेड टू कुछ भी हो, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ जेड वन एंड जेड टू एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग जेड वन एंड जेड टू। कैसे, देखो क्या कह रहा है, इसको जरा एक दूसरे तरीके से एनालाइज करते हैं। कह रहा है कि जेड वन और जेड टू दो पॉइंट है जहां से जेड का डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का हमेशा बराबर रहे, मतलब अगर प्लेन में हम लिखे तो यहां कहीं जेड वन है यहां कहीं जेड टू है, तो जेड वन जेड टू से बराबर डिस्टेंस पे रहने वाला, अगर इनको हम यहाँ पे ज्वाइन कर दें ऐसे, तो इनके बराबर डिस्टेंस पे रहने वाला पॉइंट बिल्कुल इनको बीचों बीच हो जाएगा, यहाँ पे जेड होगा। फिर बताओ इस यहाँ पे होगा तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर निकालेंगे तो क्या वही बात आएगी क्या, यानी हाँ देखो ये हम यार आपको याद हो तो स्ट्रेट लाइन में ये बात कराई गई होगी, अरे बात समझ में। देखो यहाँ से कहीं भी हम निकालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस हमेशा, दोनों डिस्टेंस क्या रहेंगे इक्वल रहेगी, ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। तो जो लोकस आया दिख रहा होगा कि जो ये वाली लाइन है ना यही आपका लोकस है, ये वाली लाइन ही इसकी लोकस है, और ये लाइन इसके बिल्कुल बीचों बीच मिड पॉइंट से पास हो रही है, और इसके क्या है परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया इस वजह से, कुछ में जेड वन को मान लीजिए थ्री एक्स प्लस आई वाई लिख देते हैं, हमने क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिख लो ना, थ्री एक्स प्लस कुछ भी लिख लो, स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। अरे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो ना यार, यहाँ पे देखो ना ये टू लिखा हुआ तो है, तो क्या फर्क पड़ा, वो एक्स के जब तक कोई चीज एक्स के, कैसे थ्री एक्स लिखोगे जेड को, जेड वन को थ्री एक्स कैसे लिख, जेड वन तो एक पॉइंट दिया होगा ना हमेशा, जेड वन थ्री माइनस टू टू प्लस फाइव ऐसे कुछ टाइप का, हाँ पॉइंट रहता है ना जेड वन, तो जेड वन ये पॉइंट रहेगा ना हमेशा, जेड वन जेड टू तो पॉइंट रहेंगे, जेड हमेशा एक्स प्लस आई वाई है। अगर ये हमें कहता कि यहाँ पे कुछ टू से मल्टीप्लाई कर दिया थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तब नहीं रहेगा,
तो वह जेड को टू से मल्टीप्लाई थ्री से मल्टीप्लाई तब नहीं रहेगा, लेकिन जेड अकेला रहेगा तो हमेशा ये आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा। बात समझ में आ रही है? कई बार सवाल लिखने वाले ना ऐसा लिख देते हैं, देखो टू जेड माइनस जेड टू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू टू जेड माइनस जेड टू, तो या टू जेड माइनस थ्री जेड टू, तब भी ये स्ट्रेट लाइन है। कैसे? यहां से टू कॉमन करो तो जेड माइनस जेड वन बाई, यहां से भी टू कॉमन करो जेड माइनस थ्री बाई टू जेड टू, क्या ये टू से टू कट गया? अभी भी जेड ही रह गया, वापस इसी की तरह हो गया। अरे बात समझ में? तो अभी भी ये स्ट्रेट लाइन है। हाँ, यहाँ पे टू यहाँ पे थ्री रहेगा तो नहीं बनेगा। अच्छा, उसका कोएफिशिएंट सेम? हाँ, जेड का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। बात समझ में? जेड वही एक्स प्लस आई वही, जो जेड है वो ये है, जेड है वो ये है, जेड का मतलब हाँ जेड वन जेड टू। अभी हमने क्या बताया कि जेड वन जेड टू हमेशा पॉइंट ही तो रहेंगे, तो जेड वन जेड टू आपके पॉइंट है, तो इसलिए आपका ये जेड वन पॉइंट ये जेड टू पॉइंट आर्गन प्लेन में ऐसे हमने दिखा दिया। फटाफट नोट कर लो, है इफ मॉड जेड वन इज इक्वल टू वन, मॉड जेड टू इज इक्वल टू टू, मॉड जेड थ्री इज इक्वल टू थ्री, एंड मॉड जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इज इक्वल टू फाइव, देन रुको हाँ बिल्कुल, देन आपको बताना है टू जेड वन जेड थ्री प्लस फोर जेड वन जेड टू प्लस नाइन जेड वन जेड टू, नाइन जेड वन जेड टू। एक सेकेंड जरा सा हमें सोचना पड़ेगा, इसमें कुछ तो हुआ है मिस। जेड वन जेड जेड वन जेड टू जेड थ्री, जेड टू जेड थ्री प्लस जेड वन जेड थ्री प्लस जेड वन जेड टू। अब जरा सा एक बार सोचो देखो तो कहीं से हो सकता है कि ये इसको सेटिंग में कहीं गड़बड़ हुआ हो, पर एक बार जरा बना के देखो तो क्या निकल के आ रहा है। हाँ पता चल जाएगा कि सेटिंग में गड़बड़ है कि नहीं, जब एक बार बना के देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड जेड वन इज इक्वल टू वन का मतलब हो गया कि जेड वन जेड वन बार इज इक्वल टू वन, मॉड जेड टू इज इक्वल टू टू का मतलब हो गया कि जेड टू बार इज इक्वल टू फोर, और मॉड जेड थ्री इज इक्वल टू थर्टी है यहाँ पे है इज इक्वल टू थ्री, इसका मतलब हो गया कि जेड थ्री बार इज इक्वल टू नाइन। अब जैसी जरूरत होगी वो इसके हिसाब से पुट करेंगे, जो पूछा हुआ है यहाँ पे जेड टू जेड थ्री प्लस फोर जेड वन जेड थ्री प्लस नाइन जेड वन जेड टू, इसको लेके चले तो जेड वन के जगह पे जेड टू के जगह पे हम पुट कर सकते हैं फोर अपॉन जेड टू बार, जेड थ्री के जगह पे नाइन अपॉन जेड थ्री बार, फिर यहाँ पे प्लस में यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं फोर अपॉन जेड वन के जगह पे पुट कर सकते हैं जेड वन इंटू आपका यहाँ पे पुट कर सकते हैं जेड थ्री के जगह पे नाइन अपॉन जेड थ्री बार, यहाँ भी ये बार, और ये फिर फिर प्लस नाइन जेड वन के जगह पे वन अपॉन जेड वन बार, और यहाँ पे फोर अपॉन जेड टू बार। ऊपर से 36 बाहर निकल के आ गया क्या? 36 बाहर निकल के आ गया, नीचे में क्या हो गया? वन अपॉन जेड टू जेड थ्री, सही है क्या ऐसा? जेड टू जेड थ्री का बार प्लस हाँ वन अपॉन जेड वन जेड थ्री का बार प्लस वन अपॉन जेड वन जेड टू का बार, सही है ऐसा? पूरे में से बार निकल गया, ये बार यहाँ गया, वो पूरा बार से बार हट गया। अब ये हो गया 36, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अच्छा पहले तो एक बार और लिख ले तब एलसीएम ले, वन अपॉन जेड टू जेड थ्री ये हो गया प्लस वन अपॉन जेड वन जेड टू जेड थ्री प्लस वन अपॉन जेड वन जेड टू। अब पूरे का एलसीएम ले लिया 36, एक बार और यहां लिखते हैं 36 पूरे का एलसीएम ले लिया क्या हमने? मॉड जेड वन जेड टू जेड थ्री ये अलग अलग अभी लिया, तो यहाँ पे बचेगा आपका जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री। अब हमने अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने से ये 36 ऊपर में आ गया मॉड जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, और नीचे में आ गया मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू मॉड जेड थ्री, ठीक है ना? और ये जरा देखो मॉड जेड वन की वैल्यू अपने पास है, अभी ऊपर में तो हो गया पांच इंटू नीचे में है आपका वन टू थ्री, ये इसको काटा इसको ऐसा इसके साथ बना छह, आंसर पूरा आ गया क्या 30, ठीक है ना? बिल्कुल सही आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, हाँ रख सकते थे डायरेक्ट यहाँ पे रख देते, यहाँ पे रख देते, यहाँ पे रख देते, हाँ तो छह कॉमन हो जाएगा और पांच से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मॉड जेड प्लस वन इज इक्वल टू, देखो अभी मॉडुलस ही चल रहा है, टू प्लस टू इंटू वन प्लस आई फाइंड जेड,
इसमें इस बार जेड निकालना है, जेड निकालने का मतलब कि एक्स और वाई यानी एक्स प्लस आई वाई के टर्म में निकालना होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ट्राई करोगे, हिंट दे दूं, चलो करो ट्राई, देखते हैं क्या ट्राई करके निकालते हो। जेड को निकालिए ना। इसको लिख लिया, जेड को लिख लिया हमने, एक्स प्लस आई वाई जब भी लोकस होगा, अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आए तो एक्स प्लस आई वाई मान के करने का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। एक्स प्लस आई वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और यहाँ पे है प्लस टू वन प्लस आई। अब यहाँ से इसको तो हो गया इसका, ये एक्चुअल में इसका रियल पार्ट एक साथ कर ले, एक्स प्लस वन एक साथ कर लिया प्लस आई वाई, और यहाँ से भी रियल पार्ट एक साथ कर लिया, तो यहाँ पे लिखा है x प्लस टू और यहाँ पे लिखा है आई इंटू वाई प्लस टू। कोई बड़ी चीज नहीं है, यहाँ से तो ये अंडर रूट में आ गया x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया x प्लस टू। अब रियल पार्ट से रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर देंगे तो इधर में रियल पार्ट से रियल पार्ट को रियल पार्ट स्क्वायर क्यों करे भाई, हाँ रियल का रियल से एंड इमेजिनरी का इमेजिनरी पार्ट से। अब रियल पार्ट से रियल पार्ट का कंपेरिजन करेंगे तो ये x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस टू के, और यहाँ से y प्लस टू की वैल्यू हो जाएगी जीरो के बराबर, जो y की वैल्यू कितना आ गया माइनस टू, तो यहाँ पे दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया तो ये x प्लस वन का होल स्क्वायर y के जगह पे माइनस टू का स्क्वायर पुट कर दिया और ये x प्लस टू का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आ गया आपका 2x प्लस वन प्लस फोर और यहाँ पे आ गया आपका 4x प्लस फोर, सही है, 4 से 4 भी कट गया। अब ये 2x उधर चला गया तो ये 1 बराबर कितना हो गया 2x, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 बाई टू, अरे आ गया क्या, तो z क्या आ गया x प्लस आई वाई मतलब आपका आ गया 1 बाई टू प्लस माइनस टू आई। बोलो राहुल समझ में आया, कहां पे गड़बड़, कहां पे मिस हो गया, कहां पे छूट गई चीज, अगले सवाल को मैं नोट कर देता हूं, कहां पे देखो कौन सी चीज मिस हो गई तुमसे, ठीक है। अगर सवाल है एफ मॉड जेड प्लस आई जेड प्लस थ्री मॉड जेड माइनस थ्री आई इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड फाइंड लोकस ऑफ जेड, फाइंड लोकस ऑफ जेड का लोकस बताए, ये है एफ मॉड जेड प्लस थ्री mod z plus 3 is equal to real part of z then locus of z। ये दोनों सवाल है, locus of z दोनों के लिए बताना है, बस आप देख लो कि कैसे बनेगा। सवाल है mod z minus 3i is equal to imaginary part of z। देखो इस सब के पास choice नहीं है अपने पास कि x plus iy के without कर लें, ये हो जाएगा आपका x plus iy, नहीं नहीं हमेशा नहीं, अभी तो ऐसे सवाल हम चल रहे हैं कि ऐसे सवाल कर रहे हैं कि जहां पे अभी x प्लस आई वाई के बिना काम नहीं चलेगा, कुछ देर बाद x प्लस आई वाई के बिना ही सारे सवाल करेंगे, जब हम ज्योमेट्री पे पहुंच जाएंगे ना इसके, जब सर्कल स्ट्रेट लाइन ये तो नहीं, नहीं नहीं ये सवाल बिना x प्लस आई वाई के बिना ऐसा सवाल आंसर आ ही नहीं सकते हैं इसके, ठीक है ना। मतलब ऐसा है कि आप अगर यहाँ सोच भी लो थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे तो x की वैल्यू लिखना ही पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मतलब x तो लिखना ही पड़ेगा। अब जरा देखो एक चीज और है, अच्छा कुछ ऐसा खास नहीं है यहाँ पे, ये जरा देखो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मतलब y के बराबर हो गया, अब यहां से दोनों तरफ होल स्क्वायरिंग किया तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया और क्या बच गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। बोलो यही आंसर आया था, ये क्या है एक पैराबोला, आगे बताऊंगा, ये एक है पैराबोला, ठीक है ना, ये एक पैराबोला है, अच्छा उसमें है मॉड जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी ये हो गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे x और ये तीन इधर आ गया, इधर आ गया, यानी इधर दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन और यहाँ से कट गया, अगेन एक पैराबोला आया, क्या आया माइनस सिक्स एक्स, बस बिल्कुल आप ये ध्यान रखना ये भी एक पैराबोला है, नहीं एक क्वालिटी एक लीनियर है, ठीक है ना, तो ये भी एक पैराबोला। अब जरा आते हैं मॉडुलस पे, हमने बहुत सारे सवाल करा दिए, अब बहुत आगे मिलता रहेगा ना, अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, अगली प्रॉपर्टी बढ़ने से पहले
हम थोड़ा सा ट्राइंगल के सेंटर्स के बारे में जानते हैं. सेंटर क्या क्या होते हैं ट्राइंगल के? सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, तीन एक्स सेंटर होते हैं, फिर सर्कम सेंटर, फिर ऑर्थो सेंटर. ठीक है, टोटल 7 सेंटर होते हैं. क्या क्या? सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और तीन होते हैं आपके एक सेंटर. 1, 2, 3, तो 4 + 3 = 7 हो गया, 7 होते हैं. तो जरा देखो, हम पहले नंबर पे बात करेंगे. हाँ कराएंगे ना, हाँ थोड़ा थोड़ा इसमें लिखेंगे ना कुछ कुछ चीजें. देखो ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा. मान लो जैसे कि ट्राइंगल का वर्टेक्स दे रखा है, अब ये ट्राइंगल का वर्टेक्स दे रखा है, इस पे दो बार हमको लेके चलना पड़ेगा इसके बारे में. इमेजिनरी भले पढ़ रहे, इसको आर्गेंट प्लेन पे लिख सकते हैं ना. इमेजिनरी को ही आर्गेंट प्लेन पे लिख सकते हैं. हाँ, एक्स कमा वाई कोऑर्डिनेट मिल गया ना तो ट्राइंगल बन जाएगा. भले एक्स कमा वाई कोऑर्डिनेट मिल गया ना इसका, तो अब पढ़ना तो पड़ेगा इसके बारे में लोगों. हाँ, इमेजिनरी की सब प्रॉपर्टी लगेगी. बिल्कुल 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 बिल्कुल. अब ये ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स हैं, तो पहली बात इसका जो सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड हो जाएगा z1 + z2 + z3/3 डायरेक्ट. अरे बात समझ में. दूसरा, अच्छा ये वाली लंबाई, ये वाली साइड की लंबाई क्या हम z3 - z2 लिख सकते हैं क्या? इसका मतलब यही होता है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये हो गया. इस वाले साइड की लंबाई क्या लिख सकते हैं? z3 - z1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं z1 - z2. थोड़ी देख ली, इसका नाम अगर ए रखूं, इसका नाम बी रखूं, साइड का वर्टेक्स का इसका नाम सी रखूं, तो इस साइड का नाम ए रख रहा हूं, इस साइड का नाम बी रख रहा हूं, इस साइड का नाम सी रख रहा हूं. थोड़ा याद आ रहा हो क्यों ऐसा रख रहा हूं? क्योंकि इन सेंटर. अच्छा अब जरा बता दो मुझे, अगर ये सेंस, अगर ये ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? आइसोसेलस हो जाएंगे. तो कोई भी इनमें से दो इक्वल राइट एंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी. बात समझ में आ रही है? बाकी इनके अलावा कुछ नहीं होगा तो ये विषमबाहु मतलब आपका स्केलेन ट्राइंगल हो जाएगा. ठीक है ना. अच्छा यहाँ पे दूसरा, अब हम अगर इन सेंटर की बात करें, इन सेंटर की बात करें तो आई का कोऑर्डिनेट इसको जी से डिनोट करते हैं, याद है? हाँ. अब इसको आई से बात करें तो आई की बात हो जाएगी आपका कितना हो जाएगा? ए इंटू जेड वन प्लस बी इंटू जेड टू प्लस सी इंटू जेड थ्री. ये ध्यान रहे कि जेड वन के सामने का ए है और जेड टू के सामने का बी है और जेड थ्री के सामने का सी है, नीचे डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी. बात समझ में आ रहा है? ये आपका इसमें दो ही कोऑर्डिनेट के बारे में अपन पढ़ेंगे, अभी फिलहाल में दो ही कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे, सर्कम सेंटर और इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे. ठीक है ना. ऐसे ऐसे अगर हम देखना चाहें तो सर जो ऑर्थो सेंटर होता है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाता है क्या? इसके ऊपर परपेंडिकुलर. और अभी तक हमने परपेंडिकुलर के लिए कोई ऐसी बात नहीं बताई है जिससे कि मैं बता सकूं कॉम्प्लेक्स में कि ये परपेंडिकुलर वाला कैसे डिनोट करेगा कि यहाँ पे सर्कम सेंटर देगा. बात समझ भाई, आगे बताऊंगा जरूर ये बात. ठीक है. अच्छा ये दो बात हो गई. अब जरा एक सवाल करते हैं. If mod z1 is equal to 1, mod z2 is equal to 1, mod z3 is equal to 1, 1, 1 ले या आपको ले लेते हैं हम 1, 1, 1, 1 ले, 0 या mod z3 is equal to 1, 1, 1, 1 ले लिया and z1, z2, z3 are vertex of equilateral triangle then prove that z1 + z2 + z3 is equal to 0. सवाल बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही आसान है. ठीक है ना. अच्छा एक चीज और बता दो. अब एक और बात मुझे बता दो, थोड़ा सा प्रॉपर्टी और जान लेते हैं. इन सेंटर का मतलब क्या होता है? इन सेंटर का मतलब क्या होता है? इन सेंटर का मतलब होता है हाँ अंदर वाले सर्कल का सेंटर, मतलब यहां से इसकी परपेंडिकुलर, मतलब ये सब डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? साइड से डिस्टेंस सेम हो जाएगी. सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल, बिल्कुल, और ये इसका सेंटर वो हो जाएगा जहां से तीनों वर्टेक्स की लंबाई बराबर हो जाएगी. अरे आई बात समझ में, क्या तीनों वर्टेक्स की लंबाई बराबर हो जाएगी, सर्कम सेंटर हो जाएगा. हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड सब इक्वल होता है, ये जानते हैं ना. किसमें? इक्विलेटरल ट्राइंगल में. अब ये सवाल बनाओ.
तो क्या बस कुछ है नहीं, आप सब बोल रहे हो, बस एक अपनी असली बात को ना आप लोग सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे हो। ये है आपका जेट वन, ये है आपका जेट टू, ये है आपका जेट थ्री। ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल, इक्विटोरियल नहीं, इक्विलेटरल। तुम तो हमारी अंग्रेजी तुमसे, तुम्हारी अंग्रेजी हमसे भी महान है। इक्विलेटरल वही बात है, मैं समझ रहा हूँ, इक्विलेटरल। ठीक है, अब इक्विलेटरल में ये कह रहा है कि जेट वन का मतलब है कि जेट वन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, वन। मानो मैंने कहा कि यहाँ कहीं ओरिजिन अगर है 0,0, तो यहाँ से इसकी ये डिस्टेंस कितनी है, 1 है। इसका यहाँ से इस ओरिजिन की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, 1 है, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, 1 है। अभी आपने देखा कि ट्रायंगल के अंदर या बाहर कहीं भी एक पॉइंट हो जिसका तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर होती है, तो वो पॉइंट क्या होता है? सेंट्रॉइड नहीं, सर्कम सेंटर। क्या होता है वो? सर्कम सेंटर। तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये सर्कम सेंटर। और चूंकि ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल, इसलिए ये क्या बराबर हो जाएगा, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना है, 0, अरे है नहीं है। और सेंट्रॉइड ये तीनों वर्टेक्स है, तो क्या हो जाएंगे, जी जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बाई थ्री इज इक्वल टू 0। तो जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, इसमें कुछ था ही नहीं कि इसमें कुछ लिखा जाए। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये सर्कम सेंटर इज सेम एज सेंट्रॉइड, हो गया। अब इसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बाई थ्री लिखा। अरे यार हमने क्या कहा, इसका क्या मतलब है, जेड वन इक्वल टू मॉड जेड वन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, हाँ उसका मतलब क्या है कि जेड वन का 0,0 से डिस्टेंस कितना, दूसरे वाले का क्या मतलब हुआ, तो कहीं एक पॉइंट 0,0 होगा, कहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ, हाँ यहाँ होगा। ठीक है, मान लिया कि हमने कहा कि ये कोई ऐसा है, ये कोई ऐसा है, यहाँ कोई पॉइंट होगा, 0,0 हुआ, हाँ यहाँ 0,0 है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है, 0,0 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है तो ये पॉइंट क्या बनना पड़ेगा, इसको किसी पॉइंट से तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस इक्वल होता है, सर्कम सेंटर और इक्विलेटरल। अच्छा ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ऐसा बन भी नहीं सकता है, हर बात समझ में, वो तो बस तुम्हारी बात रखने के लिए मैंने बना दिया। हाँ तो वही से मैं कहता हूँ कि सारी बातें सबके दिमाग में है, बस उसको सिंक्रोनाइज करना था एक साथ। ठीक है, बात समझ में, बिल्कुल। चलो ठीक है, ये मॉडुलस खत्म होता है, अब कल हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। क्या पढ़ेंगे, इसका ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है वो।